पे देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश का जो काउंसिल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ की गई है, फिलिंग चॉइस भी यहाँ पर रिलीज़ की गई, जो एमपी पीजी का पीजी के लिए किया गया है। सो आपको बता देता हूँ कि आपका जो मेरिट लिस्ट है आपको चेक करने के लिए कैसे आपको चेक करना होता है, आप आगे देखेंगे कैसे देखना होता है, काफ़ी सिंपल है। तो अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है MPPG काउंसलिंग 2021 IAS ओवर, एग्जैक्टली ये टाइप करके और सर्च करना होगा आपको। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर MPPG के लिए जो यहाँ पर बताता हूँ आपको, यहाँ पर फर्स्ट राउंड जो चॉइस फिलिंग है वो भी रिलीज़ की गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखने मिल जाते हैं चॉइस फिलिंग और मेरिट लिस्ट हैज़ बिन रिलीज फॉर। सो यहाँ पर आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा मेरिट लिस्ट के लिए चेक। सबसे पहले तो ये फॉर्म फिल कर देना जो आपके सामने ये फॉर्म दिख रही है। तो इस फॉर्म में आपको अपना नाम फिल करना है, आपका नाम फिल करने के बाद ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे, स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट से रहने वाले हैं, सिटी क्या है, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और गेट फ्री काउंसलिंग आप क्लिक कर देना। सो इससे ये होता है कि आपको MPPG के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। ओके, आपको आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ बता देता हूँ, जो देश का टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्टेड है। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में, UPES यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, W प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIUN, काजीरंगा यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं और अप्लाई कर सकते हो उस यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें भी आपका एडमिशन लेना होता है। अब चलिए ठीक है, तो मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के रजिस्टर फॉर कैंडिडेट्स MP स्टेट कम्बाइंड PG काउंसलिंग नीट 2021 डेट्स, और हर एक चीज़ बताएगा यहाँ पर आपको। सबसे पहले तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉमन रैंक देख सकते हैं, MP स्टेट रैंक देख सकते हैं, नीट MDS ऑल रैंक, कैंडिडेट टाइप देख सकते हैं यहाँ पर, नीट MDS रोल नंबर वगैरह, कैंडिडेट्स आपका नाम क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं। एलिजिबिलिटी कैटेगरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, MP डोमिसाइल, BDS प्रोसेस फ्रॉम द MP स्टेट। सो आप यहाँ पर स्कोर देखेंगे, यहाँ पर वेटेज मार्क्स होता है वो देखेंगे जो 0000 ठीक, एंड आगे फाइनल स्कोर जहाँ पर आप देख सकते हैं 576, 559, 557, 550, 542, 54, तो ये अपना मार्क्स देख सकते हैं। ये क्या है, फाइनल स्कोर है, ये वेटेज में कुछ नहीं है, इन सर्विस वेटेज मार्क्स। नीट MDS 2021 का स्कोर आउट ऑफ 960 में से आपको कितना नीट में मिला, नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था टोटल 960 में से आपको 576 मार्क्स मिला है। यहाँ पर मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ एक बता रहा, बाकी सारे आप जान सकते हैं, समझ जाएंगे आप। ओके, समझना चाहिए आपको, इस तरह का समझना है। लेकिन BDS पास फ्रॉम MP स्टेट, तो यहाँ पर यस 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 जिन्होंने पास किया, यस यस। MP स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके पास है या नहीं है, तो यह है, जिसमें नहीं है तो नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आपका नहीं होगा। एलिजिबल कैटेगरीज यहाँ पर देख सकते हैं, EWS अंडर रिजर्वेशन कैटेगरीज, VWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सो ये सारे आपका नाम यहाँ पर लिखा है, रोल नीट MDS रोल नंबर लिखा है यहाँ पर, कैंडिडेट्स टाइप्स बताया दिया गया है, ओपन कास्ट गए हैं यहाँ पर, नीट MDS 2021 ऑल रैंक जो है 255, 400, 420, तो अलग अलग मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहा था आपको। जिनका सबसे कम है वो सबसे अच्छा मार्क्स उनका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ओवर रैंक, मतलब सबसे कम जिसका रहेगा वो सबसे अच्छा मार्क्स है, यानी कि मतलब रैंक है ना, मतलब कितनों में से कम ओ भाई 10,000 आ गया, मतलब 15,000 में से सबसे जिसका ज़्यादा मार्क्स आया है वो 255 वाले रैंक पे आया है बंदा, ऐसा ठीक है, समझ गया आप। 15,000 में से सबसे अच्छा मार्क्स, मतलब आप ये जो जो भी फर्स्ट रैंक पे यहाँ पर ये उनका सबसे अच्छा है,
जितना कम रहेगा यहाँ पे ये वाले में उतना अच्छा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अरे वही समझ ले, जैसा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, फिफ्थ रेस होता है, तो तीन बच्चे जीतते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, तो जो फर्स्ट आता है वो सबसे कम है, लेकिन फर्स्ट है ना वो, तो ऐसा ये भी है, जिसका सबसे कम रहेगा वो सबसे अच्छा मार्क्स। तो यहाँ पे भी लिख के दे दिया गया, तो फर्स्ट रैंक पे ये बंदा, सेकंड रैंक पे ये है, तो इस तरीके से जिसका ज़्यादा कम रहेगा वो सबसे अच्छा। ठीक है, आप समझ गए। और अगर आपको डाउनलोड भी करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर देना, और प्रिंट आउट निकालने का प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। सो कॉमन रैंक यहाँ पर दिख जाता है आपको, और यहाँ पर MP स्टेंट रैंक, यहाँ पर नीट MDS रैंक देख सकते हैं, कैंडिडेट्स ओपन टाइप्स के, यहाँ पर रोल नंबर, आपका नाम, फिर इसी तरीके से एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स आप जो है, ये मेल फीमेल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, EWS इकोनॉमिकल फिगर सेक्शंस, UR अनरिजर्वेशंस कैटेगरीज, यहाँ पर मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर इस तरीके से MP का डोमेन से सर्टिफिकेट है या नहीं है, VDS पास हुए कि नहीं, तो ये आप बता दिया सब कुछ मैंने, हर एक चीज़ें, और जो भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, सारे यहाँ पर आपको चेक करने मिल जाएगा, आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी चीज़। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ऐसे फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।